जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएससी न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार 2-0 की करारी हार के बाद पॉइंट टेबल में हुआ जबरदस्त उलटफेर, जानकर हैरान रह जाएंगे आप। तो ऐसे में यहाँ पर हम आपको पूरी पॉइंट टेबल बताएंगे कि 2-0 से हारने के बाद भारतीय टीम कौन से स्थान पर पहुंच गई है और न्यूजीलैंड की टीम कौन से स्थान पर आ गई है। और वहीं दोस्तों, यहाँ पर क्रिकेट जगत से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये होगी कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम में धमाके वापसी, चेन्नई में थाला का हुआ जोरदार स्वागत। तो दोस्तों, ये दूसरी खबर आप लोग जरूर देखिएगा अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी की वापसी का इंतजार कर रहे थे तो। और वहीं यहाँ पर हम जो तीसरी खबर के बारे में बात करेंगे वो होगी कि चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद ने दिए संकेत, इन तीन बड़े खिलाड़ियों की होगी टीम इंडिया में वापसी। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम में एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की वापसी हो, तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 की करारी हार का सामना करना पड़ा है। और वहीं इस सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। तो वहीं मैच के तीसरे दिन भारत की टीम अपनी दूसरी पारी में मात्र 124 रन बनाकर ही ढेर हो गई। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से तीसरी पारी में सबसे ज्यादा जो रन बनाए वो चेतेश्वर पुजारा ने बनाए। जी हाँ दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा ने 24 रनों की शानदार पारी खेली 88 गेंदों में, और बाकी भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज कुछ भी ज्यादा अच्छा खास प्रदर्शन नहीं दिखा सका। और इस तरह न्यूजीलैंड के सामने भारतीय टीम ने जीत के लिए 132 रनों का आसान सा लक्ष्य रखा था। तो वहीं भारत के लिए हनुमा विहारी और ऋषभ पंत की जोड़ी तीसरे दिन भी कमाल नहीं दिखा पाई, और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने मात्र 36 ओवर में इस लक्ष्य को हासिल किया और 7 विकेट से इस मुकाबले को भी जीत लिया। तो वहीं बात करें न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजों की, तो न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा जो रन बनाए वो बनाए ब्लेंडन ने, जिन्होंने 113 गेंदों में 55 रन बनाए थे। तो वहीं टॉम लेथम 52 रन बनाकर आउट हुए, केन विलियमसन 5 रन बनाकर आउट हुए, और बाकी निकलस और टेलर ने भी 5-5 रन बनाए। और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने इस सीरीज को अपने नाम कर लिया। तो वहीं भारत के लिए टेस्ट सीरीज काफी निराश भरी रही, और इस सीरीज में लगातार दूसरे मैच में न्यूजीलैंड की जीत के बाद टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में भी बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला है। जी हां, टेस्ट चैंपियनशिप में तो आपको पता ही है कि भारत की टीम सबसे टॉप के स्थान पर थी, राइट? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बदलाव अब देखने के लिए मिला है। तो आइए, चलिए अब नजर डालते हैं कि आखिरकार पॉइंट टेबल में कौन सा वो जबरदस्त उलटफेर हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि न्यूजीलैंड की टीम अब 7 में से 3 मैच जीतकर और 4 मैच हारकर 180 पॉइंटों के साथ तीसरे स्थान पर बनी हुई है। तो वहीं बात आती है दूसरी टीम और पहली टीम के बारे में। जो दूसरे नंबर पर टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया की टीम। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी 10 मैच खेल चुकी है और उसमें से उसने 7 मैच जीते हैं और 2 मैच हारे हैं, और इसी के साथ 1 मैच जो था वो ड्रॉ हुआ उनका। और इस पॉइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया की टीम 296 पॉइंटों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है। तो वहीं बात करें पहली टीम के बारे में, जो पहली टीम है वो है भारत की टीम। जी हां, भारत की टीम ने अभी 9 मैच खेले हैं जिसमें से 7 मैच जीते और 2 मैच हारे हैं भारतीय टीम ने, और भारत की टीम के 360 पॉइंट है जिसके चलते भारत की टीम पहले स्थान पर आती है। तो मतलब न्यूजीलैंड की टीम का एक बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला है, और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसी टीमों को पीछे छोड़कर अब सीधा तीसरे नंबर पर आ चुकी है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम एक बार फिर से कमबैक करेगी या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही थी वो ये थी कि एमएस धोनी की टीम में धमाकेदार वापसी, चेन्नई में थाला का हुआ जोरदार स्वागत, देखें वीडियो। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड और वेल्स में खेले गए वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम के हाथों मिली हार के बाद भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट मैच को जब से नहीं खेला। हालांकि अब वो इसी महीने क्रिकेट के मैदान पर लौटने वाले हैं, और इसी की तैयारी के लिए एमएस धोनी चेन्नई पहुंच गए हैं और अपनी टीम के साथ वो जुड़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, रविवार की रात महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की सरजमी पर कदम रखा और चेन्नई सुपर किंग के लिए इंडियन प्रीमियर लीग का अगला सीजन खेलने के लिए माही तैयार है, और अब वो वहां पर जाकर प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आप उनके स्वागत का पूरा वीडियो और फोटोज देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे की आपको दिखाए जा रहे हैं, और वही वीडियो में ये और वीडियो ये रही। तो इसमें दोस्तों, आप क्या मानते हो कि इस बार कौन सी टीम आईपीएल मुकाबला जीतेगी, महेंद्र सिंह धोनी की टीम, रोहित की टीम या फिर विराट की टीम? आप अपनी राय हमें जरूर बताना, और जो भी आपकी फेवरेट टीम है उसमें से कौन सी टीम जीतेगी। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद ने दिए संकेत, इन 3 खिलाड़ियों की होगी टीम इंडिया में वापसी। जी दोस्तों, एमएसके प्रसाद ने अभी कुछ संकेत दिए जिसके चलते अब माना जा रहा है कि जो 12 मार्च को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में मुकाबला होने वाला है उसमें ये 3 प्रमुख
खिलाड़ी आप सभी को खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी ये तीन खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। तो आप सभी को ये तीन खिलाड़ी खेलने के लिए मिल सकते हैं। एमएसके प्रसाद ने ये बात बोली है, लेकिन अब देखना होगा कि कौन कौन से खिलाड़ी वापस आते हैं। तो इसमें आपका क्या ख्याल है इन सभी खिलाड़ियों के बारे में, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा चुका है, जहां पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में हारने के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली काफी भड़काऊ मूड में दिखे और उन्होंने पत्रकार से बहस छेड़ दी। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मैदान में अपने आक्रामक रुख के कारण सुर्खियों में रहने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली को पत्रकार से उलझते हुए देखा गया। तो वहीं मैच के बाद कप्तान विराट कोहली ने न सिर्फ पत्रकार से उल्टा सवाल पूछा और बल्कि उन्हें अधूरे ज्ञान के साथ सवाल न करने की नसीहत भी दे डाली। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि न्यूजीलैंड की धरती पर टीम इंडिया को पहली बार कोहली की कप्तानी में किसी टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा और इस तरह से मैच में हारने के बाद जब पत्रकार ने कोहली से मैदान पर आक्रामक रूप दिखाने और विरोधी खिलाड़ी को चिढ़ाने के बारे में पूछा तो कोहली इस सवाल पर काफी गुस्से में नजर आए। दरअसल पत्रकार ने विराट कोहली से पूछा कि मैदान में फील्डिंग करते समय आपने केन विलियमसन को अपशब्द भी कहे थे और इतना ही नहीं प्रशंसकों को मुंह में उंगली डालकर चिढ़ाया भी था। बाकी आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं, जब विराट कोहली कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे तो उसी मामले को छेड़ते हुए पत्रकार ने यहाँ पर अपनी बात रखी और वो पत्रकार बस यहीं तक ही नहीं रुका, उसने आगे बात करते हुए बोला कि आप भारतीय टीम के कप्तान हैं और इसमें विराट कोहली वहाँ पर सीधे सीधे पत्रकार से लड़ते हुए नजर आए। बाकी आप यहाँ पे तस्वीरों में भी देख सकते हैं विराट कोहली काफी गुस्से वाले मूड में है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है जब विराट कोहली टीम इंडिया की हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़के हों, और इससे पहले भी साल 2018 में टीम इंडिया की हार के बाद उनकी एक पत्रकार से इसी प्रकार से बहस हुई थी। वो अक्सर अपनी आक्रमणता के कारण सवालों के जवाब देने में भड़कते हुए नजर आते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो मेरा मानना है कि पत्रकार की ही गलती थी जो कि उन्हें सुधारने की राय वो दे रहा था। तो ऐसे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है, क्या विराट कोहली ने बिल्कुल सही करा ऐसे भड़कते हुए? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि टेस्ट में हारने के बाद भड़के फैंस, बोले विराट कोहली को हटाकर इसे बनाओ तीनों फॉर्मेट का कप्तान। जी हां दोस्तों, शर्मनाक हार के बाद पहले वनडे सीरीज में और फिर टेस्ट सीरीज में उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट गया है और लोगों ने रोहित शर्मा को विराट कोहली की जगह पर कप्तान बनाने की बात कर डाली है। जैसे कि आप सभी लोगों के यहाँ पर कमेंट्स देख सकते हैं, जैसे कि राजेश कांत गुर्जर ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, जब टीम में MS धोनी और रोहित शर्मा नहीं होते हैं तो विराट कोहली की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों साधारण नजर आती है। BCCI से यह अनुरोध है कि विराट कोहली को हटाकर रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाए। तो वहीं यहाँ पर आसू ने लिखा कि गाली देने से मैच नहीं जीते जाते, कैप्टेंसी से हटाओ विराट कोहली को। और बाकी आप लोगों के काफी बड़े बड़े जो उन्होंने ट्वीट किए वो देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने है। तो दोस्तों जिसके आप सभी को पता है कि न्यूजीलैंड के हेगले ओवल क्राइस्टचर्च स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले को भारतीय टीम हार चुकी है। जी हाँ, पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद हम सभी को लग रहा था कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम वापसी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और भारतीय टीम का जो टेस्ट क्रिकेट में लगातार टेस्ट सीरीज जीतते चले जाने का रिकॉर्ड था वो आज टूट गया और इसी के साथ भारतीय टीम को आज हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में हम आपको बताएं कि न्यूजीलैंड की टीम ने इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में टॉस जीतते हुए गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वही बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम की तरफ से 242 रन पहली पारी में बनाए गए थे, जहाँ पर हनुमा विहारी, पृथ्वी शॉ और चितेश्वर पुजारा ने अपना अपना अर्धशतक लगाया था और इसी के साथ भारतीय टीम के 10 विकेट पूरे हो गए थे और कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। और वही बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम तो उन्होंने 235 रन बनाए थे और वो भारतीय टीम से 7 रन पीछे थी। तो वही दूसरी पारी की शुरुआत होती है और दूसरी पारी में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से पूरे भारतीय दर्शकों को निराश किया। जी हां, भारतीय टीम के बल्लेबाजों की एक न चली न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के आगे और इस दौरान पृथ्वी शॉ ने 14 रन बनाए और मयंक अग्रवाल ने 3 रन। तो वही चितेश्वर पुजारा 24 रन बनाकर आउट हुए। तो वही उम्मीदें थी कि विराट कोहली आज थोड़ा समय लेकर खेलेंगे, लेकिन कि उमेश यादव ने मात्र 1 रन बनाए, अजिंक्य रहाणे ने 9 रन बनाए, हनुमा विहारी भी 9 रन बनाकर आउट हुए और ऋषभ पंत से उम्मीद थी तीसरे दिन कि आज ऋषभ पंत कुछ तो जलवा दिखाएंगे, लेकिन ऋषभ पंत ने भी मात्र 4 रन बनाए। तो वहीं मोहम्मद शमी ने 5 रन बनाए और जसप्रीत बुमराह 4 रन बनाकर रन आउट हुए। तो वहीं बात करें रविंद्र जडेजा की, तो रविंद्र जडेजा को देखकर ऐसा लग रहा था कि तीसरे दिन रविंद्र जडेजा थोड़ा भारतीय टीम के स्कोर को ऊपर तक लेकर जाएंगे और उन्होंने 22 गेंदों में 16 रन बनाए थे, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाज आउट होते चले जा रहे थे जिसके कारण भारतीय टीम के 10 विकेट हो गए और यहाँ पर रविंद्र जडेजा नॉट आउट रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना। तो मिलेंगे अगली ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।